हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट नेदर वर्ल्ड्स में। और लास्ट टाइम हमने हमारी नेदर बेस पे हम काम कर रहे थे, पर आज हमारा डे ऑफ है और हम ओवर वर्ल्ड में जा सकते हैं पूरे दिन भर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दिन भर का टाइम है और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बनाऊँगा यहाँ पर हमारा एक छोटा सा एक्सपी फार्म, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला था फर्स्ट डे पर एक स्पॉनर, कौन सा वाला, जॉम्बी स्पॉनर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इधर क्लियर आउट करते हैं, फिर इनको भगाते हैं और वहाँ पर हम हमारा एक्सपी फार्म का काम जो है वो शुरू करते हैं। और हमने हमारे विलेजर्स को टर्न कर दिया है किस में, ओ शूट्स टूट गई है। तो चलो, हमारे पास एक्स है, ये काम आएगी हमारी। मैं यहाँ से खोद लेता हूँ जस्ट इन केस ये पप्लू आएगा मेरे पास में ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमारे जो विलेजर्स हैं उनको जॉम्बी से कटवाया है, और जॉम्बी से कटवाने के बाद वो अब देते हैं हमको मस्त वाला माल। ठीक है, तो दिस इज हाउ मच, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर परफेक्ट सेटिंग रहती है इस स्पॉनर की, कि हमको और कुछ करना नहीं पड़ता, बस डिक करना रहता, पानी डालो और ये बन गया आपका फार्म। इजी पीजी इजी क्लैप। ठीक है, शूश इसको तोड़ो। ठीक है, तो ये हमारा स्पॉनर है, जॉम्बी स्पॉनर। और 1 2 3 तीन ब्लॉक्स, इधर भी 1 2 3 तीन ब्लॉक्स यहाँ पर। तो 3x3 का हमारा ये बन जाएगा, 3x3 का ही करना है क्या हमको, आई थिंक 3x3 का, यस 3x3 का। और अब हम इसको नीचे डिक करेंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था आपसे कि मैंने अपने एफिशिएंसी 4 अनब्रेकिंग 3 हमारे शवल में और पिकैक्स में लगा लिया। मुझे डायमंड पहले हम ये बना लेंगे, उसके बाद हम डायमंड की खोज में जाएंगे। तो आज का पूरा दिन हम इसी में इस्तेमाल करने वाले हैं, और फटाफट से हम बनाते हैं हमारा एक्सपी फार्म, ताकि हमको, क्योंकि नेदर में क्या रहता है, आपको एक्सपी फार्म बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी अर्ली गेम में, क्योंकि अभी तक हमारे पास डायमंड का आर्मर भी नहीं है। हम गोल्डन का टोपी पहन के घूम रहे हैं जब से, तो हम फटाफट से इस पे काम करते हैं। और हमारे पास कितने विलेजर्स हो गए हैं, निटविट को, ओह माय गॉड, निटविट को अगर हटा दें हम तो हमारे पास टोटल हैं अभी, एक फ्लेचर है, फ्लेचर, ओ मैं गलती से तोड़ ना दूँ स्पॉनर को, और यहाँ पर टॉर्चेस भी लगा दूँ ताकि कोई स्पॉन ना हो। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास फ्लेचर है, 2 लाइब्रेरियन है अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी 4 वाला, एक क्या मिशन है। ठीक है, जिसको भी हमने 3 विलेजर्स को कटाया है, एक मिशन को, 2 लाइब्रेरियन को। ठीक है, तो 3 विलेजर्स हो गए जिनको हमने जॉम्बी से कटवाया, और उनके रेट्स जो है वो ड्रॉप करवाए, और अब उनके रेट्स जो है वो 4 क्ले के बदले में हमें 1 एमरल्ड देता है मिशन। मैं बीच में एक क्लिप ऐड करूंगा, उसमें बताऊंगा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके कि हमने उसको कहां से पकड़ के लेकर आए थे जॉम्बी को, और कहां पर रखा, और कैसे हमने उसको कटवाया। ओके, गोल्डन एप्पल हमारे पास है, हमारे पास नेदर फोर्ट्रेस है, तो हमारे पास ब्लेज रॉड की कमी नहीं है, हमारे पास ब्रूइंग स्टैंड पहले से ही है। ठीक है, ये हो गया, हम कुछ जिसको फैंसी नहीं बना रहे, हम इसको सिंपल सा रखेंगे, बस हम काम चलना चाहिए हमारा इसमें। ओके, मुझे चाहिए है थोड़ी सी टॉर्चेस, ताकि जस्ट इन केस यहाँ पर कोई स्पॉन ना हो, थोड़ा सा हम उजाला करके रखते हैं यहाँ पर। ये हो गया, अब हम आए इस डायरेक्शन से थे, तो यहाँ पर हमको बनाना है हमारा सेफ्टी डिपॉजिट रूम। ठीक है, यहाँ पर रहेगा, अब ये जो है ये स्पॉनिंग एरिया हो गया इनका। ठीक है, यहाँ पर स्पॉन होंगे, इसमें नीचे गिरेंगे यहाँ पर, यहाँ इसके जो हाइट है ये 3 ब्लॉक की है, देखो 1 2 3। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, ये 3x3 का रहता है, 3x3 का नहीं, कितने का रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम इसको पीछे ले जाता हूँ, और यहाँ से हम इसको बनाएंगे एक छोटे से ट्रैप में। यहाँ पर केव्स है आसपास, नीचे लावा केव है, ये देखो हम इधर से जाते हैं, लावा बेड है सॉरी, और ये हाथ में रखो अभी। ठीक है, अब यहाँ से आएंगे ये, अब वाटर बकेट में पानी लेकर आया था, पानी क्यों नहीं आया इसमें, और ये क्यों बग रहे इतना, मैं 2 बकेट पानी लेकर आया था पता है,
सैड लाइफ, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बना लेते हैं। ईजी भीजी क्लैप, मुझे पानी चाहिए था मेन, तो ताकि हम इसको बना सकें। ओके दैट्स गुड, हम इसको बाद में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कर देंगे, अभी हमको सिर्फ पानी चाहिए ताकि मैं देख लूँ। एक वाटर सोर्स आ जाएगा हमारे पास, अच्छा खासा इन्फिनिट वाटर सोर्स, फिर हम उससे हमारा जो पाथवे है वाटर का वो डिसाइड कर लेंगे। पानी आए क्यों नहीं, क्योंकि मैं ऊपर नीचे आने से पहले मैं 2 बकेट पानी भर के आया था और कलेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज आई एम टू फास्ट फॉर द गेम टू रजिस्टर द वाटर। ओके ये आ गए हम यहाँ पर, अब कैसे बनाना था मुझको, सिंपल वाला फार्म है ना ये कि नीचे वाला फार्म है, वो तो स्पाइडर वाला रहता है क्योंकि इसमें छुटकू मरेंगे नहीं। ठीक है हमको सिंपल वाला चाहिए, एक हॉपर वाला, 1 हॉपर वाला चाहिए हमको, तो कैसे करना है मुझे रुको सोचने दो। यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ से फिर इस पे गिरना चाहिए, इस वाले पर, ठीक है इस पे डिप होके नीचे गिरेंगे तो है ना, यहाँ पर रहेगा हमारा ड्रॉप सेक्शन छोटा सा, और फिर इसको हम लगाएं, यहाँ पर लगेगी स्लैब्स। ठीक है तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ताकि हमारा जो पोर्शन है वो क्लियर आउट हो जाए। ये सबसे बेसिक्स फार्म्स में से एक रहता है और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं रहता, बस आपको स्पॉनर ढूंढना रहता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छा सीड मिला है, तो आपके बेड के नीचे एक स्पॉनर स्पॉन ज़रूर होगा। ठीक है और इसको हम लगाते हैं यहाँ दीवार में, इसको यहाँ लगाओ, और मुझे चाहिए स्लैब्स। ठीक है स्लैब्स इसलिए चाहिए क्योंकि स्लैब्स हम लगाएंगे राइट हियर। ओके तो ताकि हम स्लैश कर सकें इनको और दोनों को मार सकें, छुटकू को भी और बड़कू को भी, दोनों आएंगे तो यहाँ पर स्पॉन होंगे, तो जॉम्बी और बेबी जॉम्बी। ठीक है ये हो गया हमारा स्लैब, अब वो है हमारा पाथवे, वहाँ पर स्पॉन होंगे और इधर गिरेंगे, यहाँ से बस हमको मारना है शट शट शट। और एक बकेट, हाँ मुझे वाटर सोर्स बनाना है तो पहले हम इसको बनाने से पहले इधर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर वाटर देख लेते हैं कि कहाँ से कैसे आ रहा है। ठीक है वाटर सोर्स, क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट एम आई डूइंग। ओके ये हो गया, इधर डालो एक बकेट यहाँ पे, ये हो गया हमारा वाटर सोर्स, और एक यहाँ पे डालना है। ठीक है इसको बंद कर दो और ये परफेक्टली इधर आ रहा है कि मुझे थोड़ा सा पीछे करना चाहिए इसको। क्योंकि ये है, कितना ब्लॉक है ये, 1 2 3 3 4 5 6 7, तो एक अगर मैं वॉल पीछे कर दूंगा तो ये बराबर यहाँ तक फ्लो होगा और यहाँ से फिर गिरेगा। ये देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और इसको हम यहाँ लगाते हैं तो परफेक्ट यहाँ पर पोजीशन पे आएगा, तो हम एक वॉल पीछे कर देते हैं इसको, या फिर हम इसको ही निकालते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है एक वॉल पीछे करने की, हम बस एक सेक्शन वहाँ पर ऐड कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी जाएंगे नहीं। ओह माय गॉड पीछे छेद था, ठीक है गिव मी सम वाटर। ओके आ गया वाटर, यहाँ पर लगा दिया है, एक और बकेट मैं बीच में लगा देता हूँ सेंटर में, दिस इज द सेंटर, ये हो गया। ठीक है अब आपको टेस्ट करने के लिए इधर कुछ भी डालो तो वहाँ पर कुछ फंसेगा नहीं, ठीक है जो भी है वो पूरा स्लाइड होके यहाँ तक आएगा। अब ये देखो बीच में गैप आ रहा है तो हमको पूरा इसको पूरा कर देते हैं, यहाँ पर भी डालो थोड़ा सा पानी और ये हो गया फिनिश। अब जो भी पपलू आएगा यहाँ पर ऊपर से टपुक टिपिक करके गिरेगा और सीधे जाएगा नीचे, ठीक है इजी। हाँ मुझे आयन भी चाहिए था, अच्छा हुआ यहाँ पर आयन मिल गया। तो आज हम पूरा दिन का जो हमारा दिन है जिसमें हम पूरा ओवर वर्ल्ड में सब कुछ लेके जाएंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हम यहाँ से, ठीक है तो उसके लिए हम यहाँ पर पूरा सेटअप कर लेते हैं। इस आयन को स्मेल्ट करो, ठीक है जब तक ये स्मेल्ट हो रहा है हम जाते हैं, और ये हो गया यहाँ पर। अब जो कलेक्शन सिस्टम है वो मुझे बनाना है, ठीक है तो पहले काम करता हूँ,
पानी का कार्यक्रम हमारा पूरा हो गया है, तो इसे पैक कर दो और दो बकेट वाटर ले लो, ठीक है। इसको बंद करो, इधर कुछ ज़रूरत नहीं है, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। और अब यहाँ पर हमको बनाना है एक कलेक्शन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और एक वाटर बकेट जो रहेगी वो इस तरफ भी रहेगी, तो हम यहाँ पर भी एक लगा देते हैं, छोटा सा वाटर सोर्स बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और पानी के बकेट, और ये बन गया हमारा इन्फिनिट वाटर सोर्स। अब यहाँ पर डाल दो ये पानी, अभी बह के आएगा और सब के सब जो जॉम्बीज़ हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे, ठीक है। यहाँ तक आएंगे, फिर हम उनको मारेंगे, और फिर कहाँ पर, हाँ इस वाली जगह पर, जब तक हम यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर हमारा हॉपर रहेगा और हॉपर से कनेक्टेड रहेगा एक चेस्ट यहाँ पर, तो चेस्ट हम लेकर आए थे, चेस्ट हम यहीं से जो हमें मिला था वही की वही हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमें ज़रूरत है आयन की, और आयन हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब बनाना है हमको हॉपर, या आ गया हमारा हॉपर, चेस्ट से एक हॉपर बन जाएगा, और एक चेस्ट चाहिए, तो इसमें से लकड़ी निकालो और फटाफट से एक चेस्ट बनाओ, क्विक 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 क्विक। और ये आ गया हमारा चेस्ट ही। अब इसको प्लेस करने के लिए हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर हमारा हॉपर रहेगा, और यहाँ पर हमारा चेस्ट, और ये लग गया हमारा हॉपर। अब इसके सामने ये लगा दो, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर से कोई निकल के ना आए, इसलिए आपको स्लैब लगानी है यहाँ पर, ना पानी आए ना वो छुटकू राम बाहर निकल के आए, इसलिए ऊपर भी एक एक स्लैब लगा दो, ऐसे बस आइटम आ सकेंगे इसमें से बाहर, ठीक है। और हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके अंदर हम डबल चेस्ट लगा देते हैं, क्योंकि जो जॉम्बीज हैं उससे हमको मिलेगा रोचन फ्लैश, और वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लेरिक से ट्रेड करने में, ठीक है, इजी पीजी। अब इसको तोड़ो और यहाँ पर लगाओ ये चेस्ट, डबल चेस्ट हो गया, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा सेटअप कंप्लीट पूरा। अब हमें जो करना है वो है तोड़ना है हमें, ठीक है। क्या तोड़ना है हमें? टॉर्चेस जो है वो तोड़नी है, और फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ ताकि मैं क्रॉस कर सकूँ, और इस वाटर को फ्लो कर देते हैं जो कि जा रहा है वहाँ तक, कोने तक, ठीक है। अब मुझे टॉर्चेस निकालनी है, मैं जस्ट इन केस इसे तोड़ ना दूँ। एक काम करेंगे हम, रुको, ओके, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, और जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे वैसे ही ज़ॉम्बी जो है वो निकल निकल के आएंगे बाहर, इसलिए भाग निकले तैयार रहो बटुक। देखो ओ, 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 अच्छी चीज़ यह है कि ये फ्लो बह बह के नीचे जाने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं इसको लगा देता हूँ, और ये कंप्लीट हो गया हमारा फार्म ही। और इसको देखने के लिए अगर आपको यहाँ पर स्लैब लगानी है तो स्लैब भी लगा सकते हो, अगर थोड़ी सी उजाला अंदर जा रहा है तो उसको हटाने के लिए बस ये लगा दो, और ये बन गया आपका फार्म कंप्लीट, ठीक है। अब सारे ज़ॉम्बी आएंगे इधर से मरेंगे, और सीधे उनका माल जो है इसमें आ जाएगा ये। और चेक करने के लिए हम देख सकते हैं ऊपर, देखो वहाँ पर खाली दिख रहा है जहाँ से हम हमारा पाथ है, ये छुटकू आया देखो, और ये भी अब निकल नहीं पाएगा यहाँ से, तो हम इसको मार सकते हैं, और हमारी जो एक्स है वो टूट गई, नॉइस। हमारे पास आयन है, अब हमारे पास ढेर सारा आयन रहेगा, हमें आयन की टेंशन नहीं है क्योंकि आज दिन भर अब ये करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे फिक्स करना है ऊपर वो वॉल, वहाँ पर जाकर इस पर ढक्कन लगाना है, क्योंकि ये जो वॉल है ओ माय गॉड यहाँ पर पूरी खुली हुई है, और आधा उजाला यहीं से जा रहा है। ये हो गया हमारा छोटा सा मॉब फार्म, इजी क्लैप। यहाँ पर स्लैब क्यों लगी हुई है? अच्छा मैंने ही लगाई थी यहाँ पर, ये बंद कर दो इसे, यहाँ पर भी स्लैब जो लगी हुई थी इस पर ढक्कन लगाओ, और ये हमारा ऊपर जाने का रास्ता है, तो अब मुझे इसे फिक्स करना है, ठीक है। इसे फिक्स करने के लिए एक ही उपाय है हमारे पास, वो है पहले मैं देख लूँ कि किस तरफ जाना है हमें, ठीक है। यहाँ पर लगेगी एक ये, ठीक है। अब मैं यहाँ से नीचे टिक करते हुए जाता हूँ, तो हमें देखना है कि हम पहुँचते किधर पे हैं। यहाँ पर ये लगाओ, ये देखो इतनी देर में इतने सारे ब्लू टी शर्ट वाले जॉम्बीज जो है वो स्पॉन हो गए इधर पे। अब हमारा जो आने का रास्ता है वो यहाँ से आ गया है,
तो हम इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर देते हैं। वो लैपिस लजूली है कि क्या? यहाँ लैपिस लजूली, व्हाट द हेक, लैपिस लजूली यहाँ कैसे मिल रहा है? एक्चुअली में ये लैपिस लजूली है। नाइस, ऋषभ कल बोल ही रहा था कि उसको लैपिस लजूली है जो मिलने रही है। हम 18th लेवल पे, इतनी ऊपर भी नहीं है, हम नीचे ही है अच्छे खासे लेवल पे। ठीक है, वो वहाँ से सीधा रास्ता जो है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से हम नीचे उतर के ये जा सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है और मैं बाहर की तरफ जितने भी जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्पॉन हो सकता है उसको पैक कर देते हैं। नॉइस, ओके, तो इजी बीजी हमारा जो फार्म है वो चालू हो गया है। ठीक है, इसको 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट में ये फार्म जो है आपका तैयार हो जाता है और आपको बस फिर चाहिए एक मस्त वाली स्वॉर्ड। ये हमारी आयरन स्वॉर्ड है विदाउट एन्चेंटमेंट, जब आपकी डायमंड या एंडमाइट क्या नेदरराइट की जब स्वॉर्ड आएगी। और यहाँ से आप देखो एक्सपी भी कलेक्ट कर सकते हो इजीली। ओह माय गॉड, अभी तो मर जाता मैं। दैट वाज क्लोज, दैट वाज फ्रिकिंग क्लोज। ओके, इसमें खाना डालो, ई की चिकन बचा हुआ है और जब तक हम रॉटन फ्लैश खाते हैं। ठीक है, इजी पीजी फार्म है ये। आपको नेदर राइट्स की एनचैंटेड स्वॉर्ड लेकर आओ और आयन भी, देखो आयन भी ड्रॉप करा इसने, आपके पास बहुत मस्त मस्त लूट आएगी। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। और नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे हम डायमंड माइनिंग के लिए, और क्योंकि मुझे डायमंड का आर्मर बनाना है और हमें बनाना है एक मस्त वाला नेदरराइट आर्मर भी। तो नेदरराइट आर्मर हमें जल्दी चाहिए क्योंकि नेदर में हम बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे उचक उचक के, किधर से घास आती है, किधर से पिगलिंस आते हैं, हॉगलिंस आते हैं, सब हमारे ऊपर कूदते रहते हैं। ठीक है, फटाफट से हम हमारा डायमंड का आर्मर पूरा बनाते हैं, उसको एंडमाइट नेदरराइट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वी आर गोइंग टू किल द ड्रैगन। Let's go. Bye-bye then. See you all guys next time. Thank you for watching. See ya.